धन्यवाद अध्यक्ष जी। ये बहुत दुखद है कि इतने महत्वपूर्ण मुद्दे पर विपक्ष के साथियों का इस तरीके से हो हल्ला करना और सिर्फ सदन का समय खराब करना, ये बेहद दुखद है। लेकिन आज अध्यक्ष जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने रूल 55 के तहत इतने महत्वपूर्ण विषय पर मुझे यहाँ पर अपनी बात रखने का मौका दिया। विषय इस प्रकार है कि दिल्ली देश की राजधानी में रहने वाला चाहे गरीब व्यक्ति हो, मध्यम वर्गीय हो या अमीर व्यक्ति हो, हर कोई इससे दो चार हो रहा है। क्योंकि देश के अंदर जिस प्रकार से महंगाई अपने पैर पसार रही है, उससे आम जनजीवन किस प्रकार से बदहाल हो रहा है, किस प्रकार से सड़क पर चलने वाली गाड़ियों से लेकर रसोई में जलने वाली गैस और उस गैस पर पकने वाला खाना, सब किसी पर इसका असर पड़ रहा है। अपने वक्तव्य को शुरू करने से पहले मैं कुछ लाइनें कहना चाहती हूँ। महंगाई हर द्वार पर चला रही है तलवार, महंगाई हर द्वार पर चला रही है तलवार, हर व्यक्ति घायल हुआ खाकर इसकी मार, क्योंकि देश में अब है मोदी जी की सरकार, क्योंकि देश में अब है झोला छापों की और जुमलेबाजों की सरकार। ये वही जुमलेबाज लोग हैं अध्यक्ष जी जो साल 2014 के अंदर जब गुजरात से अपना झोला उठाकर चले थे तो उन्होंने एक नारा दिया था, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। और अब स्थिति क्या है? अब स्थिति ये है कि रसोई गैस हो, आटा चावल चीनी दाल हो, रेल का भाड़ा हो, हवाई जहाज का भाड़ा हो, डीजल पेट्रोल की कीमतें हों, आए दिन कोई ना कोई चीज़ नई नई कीमतों को तय करती है और वो कीमतें आसमान को छूती हुई नजर आ रही है। अध्यक्ष जी, दिल्ली देश की राजधानी और उस देश की राजधानी के एक विधानसभा का प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला और उस विधानसभा में जब जनता से बात करते हैं, खास तौर पर एक महिला होने के नाते महिलाओं के बेहद करीब हैं और महिलाओं की हर सुख दुख की बातें हम तक पहुंच जाती हैं, वो खुद अपनी बातों को हम तक बहुत आम साधारण शब्दों में पहुंचाती है, अपने सुख दुख को हमारे साथ साझा करती है। और आज हर दिल्ली की महिला ये कहते हुए सुनाई देती है कि सखी सैया तो खूब ही कमात है लेकिन महंगाई डायन खाए जात है। अध्यक्ष जी, ये बात मुझे इसलिए कहनी पड़ रही है क्योंकि आप देखिए, आउटकम बजट पेश किया माननीय मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी ने और अपना जब बजट उन्होंने पेश किया सदन के सम्मुख, तो उन्होंने अपने आउटकम बजट के अंदर और एलजी के अभिभाषण के अंदर भी एक बहुत अच्छी चीज़ उन्होंने लिखी कि देश का राज्य दिल्ली एकमात्र ऐसा राज्य है जहां पर प्रति व्यक्ति आय दिल्ली में 3,54,004 रुपये है, जो कि देश में सबसे ज़्यादा है। और उसके साथ साथ दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल जी की सरकार के नेतृत्व में मिनिमम वेजेस, जो एक मजदूर को मिलने वाली मिनिमम आय है, जो मिनिमम उसका वेतन है, वो भी देश के अंदर सर्वाधिक कहीं मिल रहा है तो वो दिल्ली के अंदर मिल रहा है, अरविंद केजरीवाल की सरकार के नेतृत्व में मिल रहा है। लेकिन दुर्भाग्यवश मिनिमम वेजेस बढ़ाने के बाद, प्रति व्यक्ति आय बढ़ाने के बावजूद, आर्थिक रूप से हम अपने दिल्ली के लोगों को मजबूत करने हेतु उनके बिजली के बिल को जीरो करते हैं, महिलाओं का डीटीसी का किराया हम लोग माफ़ करते हैं, उनके स्वास्थ्य की सेवाओं को बिल्कुल हम लोग जीरो कर देते हैं,
बेहतर उनको शिक्षा देने की हमारी भरपूर कोशिश है और दे भी रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद मेरी दिल्ली के लोगों को जिस तरह से आर्थिक तौर पर मजबूत होना चाहिए या जो उनकी जमा पूंजी बचनी चाहिए, जो उनकी बचत होनी चाहिए, उस पर अगर कोई डाका डाल रहा है हर दिन, हर दूसरे दिन, हर तीसरे दिन, हर दूसरे पहर, तो वो कोई और नहीं, केंद्र में बैठी हुई भाजपा की मोदी सरकार है। ये वही मोदी सरकार है जो 2014 के अंदर महंगाई का नारा देते हुए आती है और अपनी इस बात को कहती है कि जब हम विपक्ष में थे तो हमने महंगाई पर बड़े सवाल किए, जब हम विपक्ष में थे तो महंगाई पर हमने बड़े सवाल किए, और जब हम सत्ता में आए तो हमने महंगाई की जिम्मेदारी भी विपक्ष के सर मढ़ दी। ऐसे हमारे मोदी जी सरकार चलाते हैं। साल 2014 के अंदर महंगाई का नारा लेकर आए, उस महंगाई का नारा जिस महंगाई की बदौलत LPG सिलेंडर 405 रुपए का हुआ करता था, और आज मोदी जी के आशीर्वाद से, भाजपा के आशीर्वाद से महंगाई इतनी कम हो गई, इन जुमलेबाजों की गणित इतनी महान हो गई कि जो 405 रुपए का हमारा LPG सिलेंडर हुआ करता था वो आज इनके आशीर्वाद से 819 रुपए का बिक रहा है। ये इन्होंने महंगाई के लिए नए परचम और नए आयाम इन्होंने लिखे हैं कि महज 7 साल के अंदर किस प्रकार दोगुने से भी ज़्यादा LPG सिलेंडर के रेट हो गए, ये जनता देख रही है। आए दिन पेट्रोल की कीमतें बढ़ रही हैं, आए दिन डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, और पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ने से निश्चित तौर पर साग सब्जी दूध पानी सब का रेट इस देश के अंदर बढ़ता जा रहा है। ये बहुत अजीब से लोग हैं, 2014 के अंदर महंगाई के नारे पर सत्ता में आकर जो दाल 70 से 80 रुपये हुआ करती थी वो दाल आज 150 से 180 रुपये की बिक रही है, और हर एक महिला, हर एक गृहिणी के रसोई का जो गणित है, जो हिसाब किताब है, वो इनके इन हरकतों की वजह से या इनके इस फेलियर की वजह से, इनके इस निकम्मेपन की वजह से बिल्कुल ख़राब होता जा रहा है। चाहे वो तेल की कीमतें हो, जो तेल 90 से 100 रुपये लीटर मिलता था आज वो 150 से 200 रुपये लीटर मिल रहा है। पेट्रोल की कीमतें, डीजल की कीमतें किसी से छिपी नहीं है, आसमान को छू रही है। अध्यक्ष जी, आप और हम जब जनता के बीच में जाते हैं और आम साधारण लोगों से बात करते हैं, जो बहुत निचला तबका होता है, उनसे पूछते हैं क्या हालचाल है, कैसा चल रहा है, तो वो कहते हैं चल रही है दाल रोटी, आशीर्वाद है भगवान का। लेकिन आज वो दाल रोटी प्याज भी गरीब जनता की थाली से गायब होती जा रही है, सिर्फ और सिर्फ इन भाजपा वालों के आशीर्वाद से, क्योंकि इनकी जो गलत नीतियां हैं, कुनीतियां हैं, उनकी वजह से आप देखेंगे महंगाई अपनी चरम सीमा पर है। और आखिरी पंक्ति में खड़े होने वाला व्यक्ति, आखिरी पंक्ति में रहने वाले लोग अपनी दो वक्त की रोटी को कमाने में, उसे जुटाने में भी अब असमर्थ होते जा रहे हैं, क्योंकि बेरोजगारी अपने चरम सीमा पर है, अज्ञानता अपने चरम सीमा पर है, क्योंकि शिक्षा के क्षेत्र में ये कोई काम नहीं कर रहे हैं, रोजगार देने के लिए कोई काम नहीं कर रहे हैं, महंगाई चारों ओर मुंह बाए खड़ी है। तो अध्यक्ष जी, मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि जब महंगाई के ऊपर इन लोगों से बात करें, इन लोगों से चर्चा करें, तो ये बहुत ही अजीब से कुतर्क देते हैं। जैसे कि इनकी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी को ले लीजिए, जब उनसे सदन में ये पूछा गया कि प्याज की कीमतें इतनी क्यों बढ़ रही हैं, इस पर कैसे लगाम लगाई जाएंगी, तो उन्होंने बहुत साधारण और बहुत ही बिना सोचे समझे इस बात का जवाब दिया कि मेरे घर में तो प्याज का उपयोग ही नहीं होता, तो मुझे पता ही नहीं कि प्याज की कीमतें क्या या क्या आसमान छू रही हैं या ज़्यादा हैं या कम है। उसी कड़ी में जब इनके पेट्रोलियम मंत्री जी से पूछा जाता है कि रसोई गैस की कीमतें, डीजल की कीमतें, पेट्रोल की कीमतें क्यों बढ़ रही हैं, इस पर सरकार का क्या फैसला है, सरकार की इस पर क्या रणनीति है, तो उनके भी बहुत अजीब और गरीब बयान होते हैं कि सर्दियों की वजह से मांग ज़्यादा है, खपत ज़्यादा है, इसलिए महंगाई बढ़ रही है। अध्यक्ष जी, मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि हम दिल्ली में रहने वाले लोग, खास करके महिलाएँ, दिल्ली की सरकार की नीतियों से,
सफल योजनाओं से जो हमारे महीने का बजट बनता है वो पहले सुचारू रूप से हमें कहीं और लगाने में मदद करता था, लेकिन जिस दिन से ये महंगाई बढ़ती जा रही है हम लोगों को और जनता को दो वक्त की रोटी भी मुश्किल से नहीं मिल पा रही है। चाहे रेल का किराया हो, रेल पर घर से रेलवे स्टेशन जाने का 20 रुपए का भाड़ा होता है और रेलवे स्टेशन से अंदर प्लेटफॉर्म के अंदर जाने का इन्होंने वेटिंग चार्ज 50 रुपए कर दिया है। इनकी नीतियाँ बहुत ही अजीबोगरीब हैं। इनका जो है सरकार चलाने का तौर तरीका बेहद ही अजीबो अंदाज में है। और मैं सिर्फ दो लाइनें कहूंगी अध्यक्ष जी, क्योंकि बहुत कुछ कहना है और बहुत मेरे साथी भी अभी इस पर अपनी बात रखेंगे कि हम जिस पृष्ठभूमि से उठते हैं, जहां से हम लोग आते हैं, कम से कम जब हम सत्ता में आ जाए या एक ऊंचे पद पर पहुंच जाए तो कम से कम हमें उस वर्ग का ध्यान रखना चाहिए। उस वर्ग को ध्यान में रखते हुए, उस समुदाय को ध्यान में रखते हुए हमें अपनी पॉलिसी का निर्माण करना चाहिए। इसका प्रमाण पिछले 6 सालों से अरविंद केजरीवाल जी की सरकार दे रही है, क्योंकि यहाँ बैठे हुए लगभग आधे से ज़्यादा विधायक गरीब तबके के परिवारों से आते हैं, ऐसे परिवारों से आते हैं जिन्होंने संघर्ष किया है और जिन्होंने शिक्षा का अभाव भी देखा है, जिन्होंने बिगड़ती हुई स्वास्थ्य सेवाओं में को भी देखा है और जिन्होंने जो सरकारें हैं उनके बहुत ही बुरे रवैये को भी देखा, और उन्होंने जब वो सरकार में आए तो उन तमाम कमियों को, उन तमाम गलत नीतियों को ख़त्म करते हुए एक ऐसा विश्वास जनता को देने की कोशिश करी कि हम आप लोगों के बीच में से ही हैं, तो हमें पता है सरकारी संस्थानों की सेवाओं का दुरुस्त होना कितना ज़रूरी है। तो मैं इसी बात को बताते हुए कि हम जिन समुदाय से आते हैं, जिस व्यवस्था से हम आते हैं, हमें उनका ख्याल रखना चाहिए। अब इस देश के प्रधानमंत्री जी चाय बनाते थे, चाय बेचते थे, वो चाय बेचते बेचते इस देश के प्रधानमंत्री बन गए, लेकिन उन्होंने पिछले 6 सालों के अंदर इस चाय का स्वाद भी बेस्वाद कर दिया, क्योंकि चाय में चीनी की आवश्यकता होती है। चीनी जो साल 2014-15 के अंदर 20 से लेकर 25 रुपए किलो मिलती थी, आज वही चीनी 45 से लेकर 50 रुपए किलो मिल रही है। उसके साथ साथ चाय को बनाने के लिए दूध की भी बेहद आवश्यकता होती है, तो जो दूध 6 से 7 साल पहले 40 से 45 रुपए किलो मिला करता था, वही दूध आज 55 से 60 रुपए किलो पहुंच रहा है। तो इन्होंने तो चाय वालों को भी नहीं बख्शा, अपने प्रोफेशन और अपने व्यवसाय, अपने समुदाय को भी नहीं बख्शा। तो ऐसी सरकारों को अस्तित्व में रहने की कोई ज़रूरत नहीं है जो आम लोगों की थाली से उनके भोजन को हटा दे, जो उनकी ज़रूरतों के सामान को उनकी पहुंच से दूर कर दे। और अंत में, चूंकि आपकी ओर से समय का इशारा बार बार हो रहा है, तो मैं सिर्फ इन असफल राजनेताओं को और सरकारों में बैठे हुए लोगों को सिर्फ यही कहना चाहती हूँ कि गुजरात में से जो दो जुमलेबाज अपना झोला उठाकर साल 2014 के अंदर इस नारे को लेकर आए थे कि बहुत हुई महंगाई की मार अब की बार मोदी सरकार, तो आज इस देश की जनता की ओर से, दिल्ली की जनता की ओर से और अपने विधानसभा की क्षेत्र की विशेष तौर पर महिलाओं की ओर से मैं अपने विधानसभा में आपके समक्ष इस बात को कहना चाहती हूँ कि अब मोदी जी बहुत हुई महंगाई की मार, अब आप कुर्सी छोड़ दीजिए मोदी सरकार, क्योंकि अब जनता आपकी तमाम नीतियों से, आपके बहकावे के अंदर नहीं आएगी। और महंगाई से निजात पाने के लिए और अपना गुजर बसर और अपनी आरामदायक ज़िंदगी बिताने के लिए अगर अब इस क्षेत्र में और इस देश के अंदर किसी की ज़रूरत है तो वो अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में ऐसी सरकारों की ज़रूरत है जो गरीब तबके को और आखिरी पंक्ति में खड़े हुए तबके को उसकी ज़रूरत का सामान बिना उसकी आवाज़ उठाए मुहैया कराए। इस देश को ऐसे प्रतिनिधियों की ज़रूरत है, ऐसे प्रतिनिधियों की ज़रूरत नहीं है जो अपने आलीशान बंगलों में रहते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों में चलते हैं और गरीब अगर पिसता है तो पिसता रहे, किसान आवाज़ उठाता है तो उठाता रहे, छात्र संघर्ष करता है तो करता रहे, महिलाएं आवाज़ बुलंद करें तो करती रहे। इन्हें सिर्फ करनी है तो जाति धर्म और मज़हब की गंदी राजनीति। तो अध्यक्ष जी, मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि ये जो देश के अंदर
चारों तरफ पसार रही है, महंगाई अपनी जकड़न में आम व्यक्ति को ले रही है। इस पर जो है केंद्र सरकार को फैसला लेना चाहिए, बढ़ी हुई कीमतों को तुरंत प्रभाव से कट डाउन करना चाहिए और जो हमारे मध्यम वर्गीय परिवार हैं, जो हमारे गरीब परिवार हैं, उनको ज़रूर जो है कुछ ना कुछ कंसेशन मिलना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।